उत्तर प्रदेश में मानसून के जाते जाते बदरा जमकर बरस रहे हैं। भारी बारिश के कारण कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। ऐसे में सिद्धार्थनगर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां सांसद ने थाना अध्यक्ष की जमकर क्लास लगा दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब आप कहेंगे कि आखिर क्लास लगाने का कारण क्या था। गौरतलब है कि सिद्धार्थनगर में राप्ती, पुरानी राप्ती, बाणगंगा, घोघी जैसी पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसी कड़ी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिजौरा का दौरा करने बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल भी निकले थे। जैसे ही वो क्षेत्र में पहुंचे तो देखा कि त्रिलोकपुर थाने के SO विद्याधर कुशवाहा ट्रैक्टर में बैठे आराम कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब सांसद जी को देखकर थानाध्यक्ष ने ट्रैक्टर से उतरना मुनासिब न समझा। फिर क्या था, ये नजारा देख सांसद जी का पारा हाई हो गया और थानाध्यक्ष को पास बुलाकर जमकर फटकार लगा डाली। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि जगदम्बिका पाल थानाध्यक्ष से कहते हुए दिख रहे हैं कि जूता ना भीगे इसलिए ट्रैक्टर पर बैठे हो, इस समय लोगों को आपकी जरूरत है, क्या नाव की व्यवस्था करवाई, क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कलेक्टर को बताया। थानाध्यक्ष उनके सवालों का जवाब देने लगे तो बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि यहाँ की हालत देख रहे हैं आप जनता के बीच काम करने के लिए आए हैं, यहाँ पर आकर लोग मुझसे कह रहे हैं कि उनसे कह दीजिए कि ट्रैक्टर से उतर जाए। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद ने इस दौरान थानाध्यक्ष को हिदायत दे डाली और कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके इतना दिमाग खुद होना चाहिए कि आराम करने की जगह लोगों की मदद करें। आप खुद देखिए पूरा वीडियो कि कैसे सांसद ने SO साहब को जनता के बीच फटकार लगाई। आपको फोन कर रहे हैं नाव के लिए, क्यों नहीं दिया आपने कलेक्टर से कहा? बात किया क्यों उन्होंने आगे ऊपर नहीं कहा? स्थिति देख रहे हैं बहुत खराब है, आए ना हमारे साथ और अभी तक आप ट्रैक्टर बैठे थे, मतलब जनता जनता हमसे आगे करी सर, उनसे भी कैसे उतर जाए और आप जनता के बीच के हो, हम लोग जनता के बीच के हो, आपको केवल जूता न भीगे। जनता क्या लेती है प्रश्न, इसकी सांसद घूम रहा है, कोई हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने जा रहे यार, आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि इतनी जनता आपको घेरे खड़ी है तो आप ट्रैक्टर पर बैठे रहोगे, बाढ़ में दो कदम चलोगे नहीं, हम कुछ इस समय नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आंसू पोछे, मैंने अभी इनकी SP से तारीफ किया, इन्होंने कम से कम आपको फोन किया, 3 दिन से SDM से मांग रहे हैं, फोन किया हेलो, चाहे तो स्टीमर मिला नहीं मिला, चाहे नाव मिले, SDM साहब से बात हमने रुक रुक किया है, हेलो आए तक नहीं, नहीं सर, SDM साहब से CEO साहब दोनों लोग से मैंने कहा नहीं आए, और जा करके सर 2 दिन से कल जा करके मैंने बात करके इटवा में किए डुमरियागंज, उसके बाद SDM साहब अभी SDM साहब ने कहा ठीक हम व्यवस्था करवाते हैं। फिलहाल बीजेपी सांसद का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।